यहाँ पर हम मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स के पास हैं। यहाँ पर सारे मजदूर अपने गांव लौटने के लिए कोशिश कर रहे हैं। किसी के पास टिकट है, किसी के पास नहीं है। उनका कहना है कि सारे काम बंद हो गए हैं और किसी प्रकार की मदद नहीं मिल रही है, इसलिए वो जा रहे हैं। उन्हें भरोसा नहीं है कि 15 दिन में लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। तो आप क्या काम करते हो? हम तो रहते हैं भिवंडी में, लूम चलाते हैं। लूम चलाते हैं? हाँ, भिवंडी में। तो पिछली बार तो लूम पूरा बंद हो गया था। हाँ। तो वही सोच रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट जब नहीं चलेगा, हाँ, तो कारोबार बंद हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट तो चालू रखने का वक्त किया है ना? हाँ, तो क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या हो जाता है। हाँ। पहले क्या बोले थे, कितने दिन का लॉकडाउन लगेगा शुरू में? हाँ। एक हफ्ते का। हाँ। एक हफ्ता हुआ, 15 हाँ। दिन का। हाँ। कितना दिन लेके चले गए लॉकडाउन। हाँ। आदमी परेशान हो गया उसी में। तो मालिक नहीं बोल रहा है क्या, रुको हम? नहीं, मालिक क्या बोलेंगे, खिलाते पिलाते हैं, ये नहीं कुछ नहीं करते। हाँ। तो क्या बोलेंगे, हम लोग का वैसा तो कंपनी है नहीं। हाँ। घर खाता है। हाँ। तो इसलिए मालिक लोग कुछ नहीं। हाँ, हाँ। मर्जी तुम्हारी, रुको नहीं तो जाओ। हाँ, तो ऐसे हाँ। ही करते हैं, हम लोग चले जाते हैं, क्या करेंगे। तो अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है सेठ लोग की। हाँ। मालिक कोई जिम्मेदारी ले लेता। तो अभी भिवंडी में कैसे हालत है, सब जा रहे हैं? सब नहीं जा रहे हैं, अभी तो कारखाना चल रहा है। हाँ। जैसे ही बंद होगा सब चले जाएंगे। हाँ, हाँ। नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। अगले बार तो खाना मिल रहा था इधर उधर से, किसी तरह से निकल गया 2-3 महीना। फिर मजबूरन और ट्रेन भी बंद, मजबूर ने लारी उरी से किसी तरह से हम लोग गए। हाँ। तो अभी आपको भरोसा नहीं है इस पर? भरोसा नहीं है, क्या होगा। हाँ। तो अभी अभी गए थे, फिर वापस आ गए, अभी फिर कैसे चलेगा? चलेगा। हाँ। ऐसे ही चलेगा, क्या करेंगे, तो जाना जाना तो लगा ही रहता है। और ये कहाँ, कौन सा जिला है आपका? बस्ती। बस्ती में, तो वहाँ की कुछ सरकार मदद करेगी क्या? अगले बार भी तो कुछ नहीं हुआ था। हाँ। बता रहे थे मतलब कि कुछ क्वारंटाइन करो। हाँ। 21 दिन का करो तो तुमको राशन पानी मिलेगा, पैसा मिलेगा। हाँ। मैं तो 21 दिन किया था लेकिन हाँ। कुछ नहीं मिला, कोई पूछने वाला नहीं। हाँ। 21 दिन घर में ही था, कहीं गया ही नहीं। हाँ। कुछ नहीं मिला, कोई पूछने वाला नहीं था। मैं बल्कि जब बाहर निकला 21 दिन के बाद, तो जो आशा उशा सब हैं प्रधान, वो लोग से बोला। हाँ। बोले हम लोग क्या कर सकते हैं, जब नहीं उधर से कोई दे रहा है तो कहाँ से हम लोग, थोड़ी ना अपने घर से देंगे। हाँ। कुछ तो नहीं, इस बार अभी चुनाव आ रहे हैं तो शायद जल्दी दे दें कुछ। तो ये कुछ नहीं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलने वाला है। अच्छा। और प्रधान क्या देंगे? हाँ। प्रधान का इलेक्शन आ रहा है। हाँ। अभी 29 तारीख को अपने इधर है। हाँ। तो ये प्रधान लोग क्या दे देंगे, कुछ नहीं। कहाँ जा रहे हो भैया? जा रहा हूँ सुल्तानपुर। सुल्तानपुर, तो अभी क्यों लौट रहे हो अभी? यही मॉल वॉल देख के इसलिए लौट रहे हैं। हाँ। तो अभी 15 दिन के लिए सिर्फ कह रहे हैं ना? हाँ, 15 दिन के लिए सुनाई दे रहा, लेकिन आगे के बारे में कौन जा रहा है, क्या हो जाए क्या नहीं। अच्छा, तो आप तो क्या काम करते हो आप यहाँ? लूम का कारोबार है। लूम का, भिवंडी में? भिवंडी में। तो लूम का कारोबार तो पिछली बार भी तो सब खाली हो गया था। हाँ, पिछली बार सब खाली हो गया था। तो अभी सेठ बोल रहा नहीं है रुको हम चालू करेंगे? नहीं बोल रहा है, लेकिन सही से काम भी नहीं चल रहा है। मैं हफ्ते में 2-3 दिन वैसे छुट्टी रजा हो रहा है, इसलिए हाँ। काम धाम सही चल नहीं, इसी वजह से जा रहा हूँ। तो आप दिहाड़ी पे हो? जी, जो चलाऊंगा वही दिहाड़ी बनेगी। अच्छा अच्छा, तो सरकार बोल रही है ना कि मजदूरों को जो है 1,500 रुपया देगी, राशन देगी, और कुछ कुछ बोल रही है सरकार। तो बोल रही है देगी तो और अच्छी बात है। हाँ हाँ, माहौल ठीक हो जाएगा, हम लोग फिर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। भैया कहाँ जा रहे हो भैया? जब काम धंधा बंद हो गया तो हम लोग जाएंगे, बिना टिकट के बैठे इधर और क्या। तो टिकट नहीं मिला अभी? नहीं, तो वो तो सिर्फ रिजर्वेशन वालों को भेज रहे हैं, वो सब टिकट वगैरह नहीं मिला है। तो अभी सरकार बोल रही है ना ये सिर्फ 15 दिन के लिए है और मजदूरों को वो 1,500 रुपया देंगे, ऐसा बोल रही है? अरे कुछ भी नहीं, हमको तो नहीं मालूम, उधर देखिए। हम लोग के लिए नहीं, बड़ों के लिए है। अच्छा, हम लोग की पैसा नहीं है, बड़ों के लिए पैसा।
आपकी बात तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए ना, जो आपका तकलीफ है। आएंगे क्या? जब ही दबाव पड़ेगा ना, जब लोगों का दबाव पड़ेगा तभी कुछ ट्रेन पड़ेगी या कुछ आगे सुविधा होगी। अरे जो अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, फाइन उन मार कर हम लोग जाते हैं गाँव, तो जब अंदर नहीं जाने दे रहे हैं तो क्या? हमारे पास सब प्रूफ है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ, कौन से गाँव? हम लोग पुरलिया जा रहे हैं। हाँ, पुरलिया। पुरलिया ये कहाँ आया? उड़ीसा? उड़ीसा नहीं, बंगाल में पड़ता है। बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। तो अभी काम बंद हो गया इधर? सारा बंद। क्या काम करते हो आप? हम लोग कंपनी है, उसमें काम करता है। किस चीज़ का? डाटा ऑपरेटर का। डाटा ऑपरेटर। तो वो तो डाटा ऑपरेटर का काम में तो वो तो उधर रुक के काम तो सब होता रहेगा ना, ऑनलाइन? बंद हो गया ना सब। बंद हो गया। हाँ, लेकिन जो ना सब घर पर है, हाँ, लेकिन यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, तो क्या करूँ? मेरा घर चोरापुर थाने के पास है, बगल में। कहाँ पे? चोरापुर थान, बनारस। बनारस में? बनारस चोरापुर थाना। हाँ हाँ। तो लेकिन बनारस में तो अच्छी सुविधा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है ना। अरे जब से भैरव तब से यहाँ लुटेरा बनल हुआ ना, तो जमाना कदवा की लुटेरा बनल है। हाँ। तब का मर गई कैब करला कागे से।